ये देख रहे हो ना भाई, ये पूरा एरिया, ये राम मंदिर का, ये पूरी अयोध्या है भाई। बस ज्यादा नहीं, बस आपको इंतजार करना है जनवरी तक। तो भाई अभी घाट पे हैं और घाट पे भाई बंदर बहुत ज्यादा हैं भाई। कुछ दिन में बवाल बनेगा अयोध्या, बवाल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग का यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई अभी आपने इससे पहला वाला व्लॉग देखा होगा, तो भाई हम लोग आ चुके हैं भाई हनुमानगढ़ी। अभी भाई यहाँ से प्रसाद लेंगे और ये हमारे उस साइड में है मंदिर। तो भाई पहले प्रसाद लेते हैं, थोड़ा सा हाथ में धुलते हैं, फिर चलते हैं। भाई ले लिया हम लोगों ने प्रसाद, अब चलते हैं भाई। शूज भी निकाल दिए, अब चल रहे हैं लोगों को हनुमान जी का दर्शन करने। देखो हनुमानगढ़ी एकदम भाई टूट के नई बन गई है। मतलब रोड आप नीचे देख रहे हो ना, अभी इस पर बोरी पड़ी हुई है भाई, एकदम मस्त रोड बन गई डायरेक्ट। और ये रहा भाई हनुमानगढ़ी का मंदिर। जय श्री राम, जय भगवान। और क्या भाई, भैया 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 रहा। तो भाई चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भजन। तो भाई आप क्राउड देख रहे हो ना, अच्छा खासा भीड़ है भाई। नीचे देखो, ऊपर देखो। तो भाई मंगलवार की वजह से आज थोड़ी सी भीड़ है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई चुपचाप मंदिर तक आप कैमरा लेके आ सकते हो। तो भाई अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं। आप लोग भी दर्शन करिएगा, वहाँ से भी आपको दर्शन कराएंगे। चलो जय श्री राम। ये हनुमान जी का मंदिर। और भाई इस एरिया में आप बैठ के भाई बुक्स पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं और थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। ये एरिया भाई बनाया गया, यहाँ पे मंदिर अभी फ़िलहाल बंद है। तो भाई अभी चलते हैं। जय श्री राम। तो भाई फाइनली दर्शन हो गए हम लोगों के, अब चल नहीं रहे। रुकने लाए देंगे भाई, इतने लोग हैं, रुकने देंगे तो सब रुके बैठे रहेंगे हनुमान जी के पास। बातचीत करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, कहाँ हैं, कहाँ का। तो भाई अभी चलते हैं, पहले शूज़ पहनते हैं, फिर अभी चलते हैं भाई, फिर आपको दिखाते हैं भाई अयोध्या के हालात इस टाइम क्या चल रहे हैं, जो आने वाली नई अयोध्या है वो कैसी दिखने वाली है। भाई हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग जब नीचे आए ना, मतलब 10 मिनट के लिए वहाँ पर रुके, साधु जी से मिलने गए थे, बाबा से। और भाई मंदिर बंद हो गया, भीड़ देखो आप समझो भीड़। हम लोग भाई मंदिर में दर्शन करने के टाइम एकदम मस्ती, मस्त बढ़िया 10 मिनट के अंदर दर्शन किए और चले आए। अब भाई 2 घंटे के लिए, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है। गाइस मस्त फूल वूल पहन के एकदम फिर से रेडी, अब भाई चल रहे हैं, चलते हैं फिर बताते हैं किधर चल रहे हैं। ये देख रहे हो ना भाई, ये अयोध्या दिख रही है आपको राइट हैंड पे, ये पूरी अयोध्या है भाई। बस ज़्यादा नहीं, बस आपको इंतज़ार करना है जनवरी तक। भाई क्या मस्त निकल गया है ये ना, आप लोग देखोगे। अभी हम लोग चल रहे हैं भाई जहाँ पे प्रभु श्री राम जी विराजमान है, मतलब जहाँ पे उनका जन्म स्थान है। तो अभी चल रहे हैं वहाँ पे, आइसक्रीम खा लो भाई। यहाँ पे आपको लॉकर वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मंदिर में कुछ भी भाई अलाउ नहीं है ले जाने के लिए, बस कीरिंग अलाउ है। बस कीरिंग नहीं, मतलब चाबी, कार की चाबी। और ये देख रहे हो ना भाई, ये पूरा एरिया, ये राम मंदिर का। भाई अभी जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने, जहाँ भाई कुछ भी अलाउ नहीं है, फ़ोन भी अलाउ नहीं है, पर्स बैग हेलमेट सब कुछ जमा करके जाना है। और भाई ये रहा लॉकर, जो कि निःशुल्क है भाई, तो यहाँ पे भी सब कुछ जमा कर देंगे, फिर भाई दर्शन करके फिर आते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग दर्शन करके वापस आ गए प्रभु श्री राम जी के। तो अभी भाई उस साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बाकी भाई कुछ भी अलाउ नहीं उधर ले जाने के लिए, बैग हो गया, वॉच हो गई, वॉलेट, कुछ भी अलाउ नहीं है, तो आप नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉकर बने हुए हैं, आप कहीं भी जमा कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे भाई 10 से 15 रुपए चार्ज पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज़ करना चाहें तो आप सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं भाई, थोड़ा सा और घूमते हैं। पीछे देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा, मतलब उथड़ पुथड़ मची है भाई अयोध्या में। तो भाई अयोध्या क्योंकि बन रही है इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है आपको, रोडे भी कुछ वैसे ही हैं अभी। तो भाई जितनी अयोध्या की दुकानें थी सब, मतलब टूट टूट के सबका मुंह टूट दिया गया, सबका मुंह टूट गया।
अब सबका मुंह एक साइज का बनेगा, एक तरीके का बनेगा। और ये इधर का कुछ एरिया है, बाकी आसपास में भाई अभी ये सारी दुकानें बनी हुई हैं ऐसे ही। इस पे मैं चढ़ूं गिरा और ये यहाँ पे भाई टूटा फूटा सब पड़ा हुआ है, सब कुछ बस ज़्यादा नहीं, बस 3-4 महीने में बन के एकदम रेडी हो जाएगा। तो हम लोग चले कनक भवन। हाँ, और भाई रास्ता सामने से, यहाँ भी आसपास में दोगेश ये देखिए सामने कनक भवन का मार्ग दिख रहा है, ये इधर जाना है आपको। चलो ये जो आप देखे हैं ना, ये प्रभु श्री राम वन में जब थे तो यही खाते थे। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई कनक भवन। तो भाई ये मंदिर के आसपास आप अगरबत्ती धूपबत्ती सब कुछ ले सकते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई कनक भवन मंदिर, जो कि अभी बंद है। तो भाई अभी हम लोग आए थे भाई कनक भवन, पीछे देख रहे हैं यही है कनक भवन। अभी फिलहाल यहाँ पे भाई इसका गेट बंद है, पूछते हैं भाई टाइमिंग क्या है इसकी। तो भाई कोई बात नहीं, अभी कनक भवन बंद है, अभी भाई 3:30 हुआ है और 4:30 बजे तक ये मंदिर खुलेगा। तो भाई यहीं से जय श्री कृष्णा जय श्री राम। पता नहीं था यार कि हमको 4:30 बजे बंद होता है। 4:30 बजे खुलता है, 4:30 बजे खुलता है, सॉरी भूख लगी है ना इसलिए माइंड इधर उधर हो रहा है। चलो यहाँ खाते हैं। तो भाई अभी खाते पीते हैं यार, पास में खट्टा मीठा चट्टा उदले को मोबाइल पर कोई इधर। तो भाई हम यहाँ से अक्सर खाया करते हैं, पिछली बार भी आए थे तो यहीं पर खाए थे, थोड़ा टेस्टी रहता है। बाकी आप लोग डिपेंड करता है भाई खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते हैं, हम खा भी सकते हैं नहीं भी खा सकते हैं। फिलहाल कनक भवन बंद है, तो आप जब कभी भी आइए 4:30 बजे के बाद आइए, खुलेगा तभी। ये भाई खस्ता, ये रहा कनक भवन। तो पहले इसको खाते हैं फिर चलते हैं इधर। टेस्टी है, मस्त एकदम। अंकल जी एक और बना दीजिए, नहीं पड़े। नहीं जैसे बनाए थे वैसे बनाइएगा। हट, ए माता जी आओ आओ, इनो खाइएगा भाई काफ़ी टेस्टी है, थोड़ा सा तीखा है तो मतलब अच्छा लग रहा है, तीखा खावत नहीं है हाँ मतलब तीखा है तो अच्छा लगा। अरे यार पसीना इग्नोर करो भाई, थोड़ा कड़वा था। तो भाई आप लोग भी अगर कभी खाना चाहें तो भाई आप लोग भी खा सकते हैं कनक भवन के गेस्ट के जस्ट सामने, अंकल जी मस्त फंसते हैं भाई, मीठा खाना आप लोग मेरा फिर से खाएगा गाइस, फिर से खाएगा हमारे उधर बंदा रे मामा बहन बजे, तू भी खाएगा क्या, खाओगे क्या तो कहा लगा नहीं खाएगा, मीठा खाओगे कड़वा खाओ। तो भाई फटाफट से अभी उसको खा के ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं भाई आगे घूमने के लिए। खा लो इसे, खा लो, ख़त्म करो गाइस इसको जल्दी। ठीक भाई आराम से खाओ, भाई आराम से खाओ भाई पीछे अंकल जी क्या मस्त खस्ता वस्ता खा के निकल लिए भाई हम लोग, बिना ले लिया हाँ भाई अपनी गाड़ी की तरफ चल रहे हैं भाई। और भाई खस्ता का चार्ज पता नहीं भाई क्या था, आज हम पहली बार पैसा दिए तो हमको पता चला 20 रुपये का है, सीरियसली भाई नहीं पता था हमको, तो 20 रुपये का खस्ता है वो खा तो लिए लेकिन उसे तो बिना कहे ले पैसा। अभी कुछ ये हाल है भाई अयोध्या का, देख रहे हो रोडे देख रहे हो, आसपास की दुकानें भी देख लो। तो भाई अभी ये बस ज़्यादा नहीं कुछ दिन की बात है भाई, 1-2 महीने 3 महीने उसके बाद भाई सीरियसली बता रहा हूँ कुछ दिन रुको भाई 3-4 महीने फिर देखना भाई, अब फिर देखना है अयोध्या सीरियसली यार, देखने लायक होगी भाई। जय श्री राम। चश्मा ले लो गाइस, चश्मा ले लो गाइस, जय श्री राम। तो भाई अभी चलते हैं जल्दी जल्दी, गर्मी एक जय श्री राम, 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 बस करो भाई बस करो, जय श्री राम। बाहर निकल रही है हनुमान जी, राम जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो नहीं
मेरा कैमरा बंद ना करोगे ना तब तक यहीं से चला करिए लोगन का। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई गाड़ी के पास, अब चलते हैं भाई यहाँ से वापस। झाड़ू लग रहा है भाई अभी तक। चलो भाई 4.5 लाख का चार्जर हमको दे दो, फोन चार्ज करना है। ले लो। चलो भाई लाओ, तो पीछे आएगा तो उसको चार्ज करते हैं भाई। डिस्चार्ज हो गया तो अभी चल रहे हैं हम लोग। हटाओ भैया। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं वापस से नया घाट की तरफ, पीछे था हनुमानगढ़ी। जय श्री राम। थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है भाई इधर का, इधर भी सारी शॉप है ना भाई, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई यहाँ पे। आओ, उम्मीद है कि वापस से चलूँ। इधर चलना, इधर एक धीरे जा रहे हैं भाई, सिंपली निकल गए भाई, आगे बढ़ा लो नहीं बैक हो जाएगी। तो भाई फाइनली वहाँ से निकल के आई है, अब चलते हैं भाई। तो हम लोग जा रहे हैं अब नए घाट की तरफ। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे 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 जी तो कंफ्यूज जा रही। गोल्डन बॉय मिल गया गाइस, गोल्डन बॉय मिल गया पीछे गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाई सरयू घाट पे। यहाँ पे भाई पानी समझो जरा कितनी तेज चल रहा है। उधर स्टीमर भाई दिख रही है ना आपको, हवा में भाग रही है वो। ये भी आप जो पीछे देख रहे हैं ना, ये पुराना है, नया इसके उस साइड में बना हुआ है, इसके बैक में। तो भाई आप लोग भी सरयू घाट पे भाई बोटिंग वगैरह कर सकते हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो भाई अब चलते हैं, शूज़ वगैरह पहनते हैं, हेलमेट हेलमेट लेके फिर से चलते हैं आगे की तरफ। जय श्री माता। बाय बाय। वापस निकल लिए गाइस। जय श्री राम। भाई सामने सनसेट इतना मस्त लग रहा है ना, गजब का एकदम गोल्डन गोल्डन। ये भाई नया घाट राम की पैड़ी, और भाई झंडे लेके जाओ घर के लगाओ, जय श्री राम। ये क्या मस्त लग रहा है ना। भैया यू कौन कनेक्शन आए। ये अलग ही कनेक्शन था भाई। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो। वाह भाई वाह। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई अयोध्या नगरी में काफी जोरों जोरों से भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है चारों तरफ भाई, तोड़ भतोड़ है, लेकिन बस थोड़ा सा इंतज़ार करो बस, ज़्यादा नहीं। चारों तरफ आप देख रहे हो ना, इधर साइड में रोड, इधर साइड में रोड, भाई सब तरफ एकदम मस्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इधर कुछ ऐसा ही हाल है, आप देख ही लिए, इधर साइड में, अंदर साइड में, और भाई उधर था। बवाल बनेगा अयोध्या, बवाल सीरियसली बता रहे भाई। भाई अभी हम लोग अयोध्या से निकल लिए भाई, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी जो ट्रैफिक है भाई 5:30 हो चुके हैं भाई, पहले ट्रैफिक से बाहर निकले फिर पता है। तो भाई पीछे झाड़ी वाड़ी देख के आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग काहे रुके थे। फ्रंट कैमरा है। तो भाई अभी हम लोग अयोध्या से 20 किलोमीटर आ चुके हैं भाई। अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा होश पोश है ना इस टाइम, तो रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसीलिए वहाँ पे ब्लॉग नहीं एंड किए हैं। तो भाई यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं। और भाई अगर आप लोग अयोध्या जाना चाहते हैं तो 1-2 महीने रुक जाइए, अगर थोड़ा खगेड़ देखना है तो भी जा सकते हैं, 1-2 महीने रुक जाइए, उसके बाद आप लोग जाइएगा। भाई कसम से बता रहा हूँ, देखोगे आप अयोध्या लिटरली भाई, बहुत प्यारी बन रही है। मंदिर जो बन रहा है ना, कसम से भाई मज़ा आ गया देख के।
एक फोटो अभी हम डाल देंगे भाई मंदिर का, मैंने क्लिक किया था, तो आप देखिए उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कैसी बनेगी अयोध्या नगरी। तो भाई अभी बस हम लोग यहाँ से बाराबंकी के लिए निकल जाएंगे, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर बचा हुआ है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, बाय बाय।